Good morning. Today we will deal with reaction intermediate in which we will discuss about carbenes, benzene and nitrene. Carbene kise kehte hain? What is carbene? Wo species jisme carbon par 6 electron va udasin hoti hai carbene kehlati hai. Those organic species in which carbon atom has 6 electron, they are neutral, is known as carbenes. The simplest example of carbene is methylene, that is CH2. यहाँ पर देखिए एक CH sigma bond है, एक CH sigma bond है और इस carbon पर दो non-bonding electron है. इसका चित्र देखिए, दो non-bonding electron और CH दो sigma bond. तो इस प्रकार carbon पर दो sigma bond व दो अयुग्मित electron, अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन पर इलेक्ट्रॉन षष्ठक होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, दैट इज सेक्सटेट ऑफ कार्बन इज देयर, इट रिक्वायर्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, हैंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. टाइप्स ऑफ कार्बीन, कार्बीन के दो रूप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कार्बीन्स आर देयर, वन इज सिंगलेट कार्बीन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बीन, एकक रूप और त्रिक रूप. एकक रूप में कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होता है. इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कार्बन इज इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन तथा दो इलेक्ट्रॉन आबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं. Two electrons are present in form of non-bonding electron. त्रिक रूप में कार्बन sp संकरण अवस्था में होता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं. In case of triplet carbene, carbon is in the state of sp hybridization and two electrons are present and these two unpaired electrons are present in p orbital having same spin. उदाहरण के तौर पर देखिए इसको, यहाँ पर ये एक पी ऑर्बिटल है, पी वाई और ये पी जेड, तो एक इलेक्ट्रॉन पी वाई ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन पी जेड ऑर्बिटल. इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन में दो पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम है, तो इसको हम CH2 इस प्रकार भी अंकित कर सकते हैं. CH2 ये देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम साइड पे, जबकि सिंगलेट कार्बीन में यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, एक पी ऑर्बिटल खाली और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन? एकक कार्बीन और त्रिक कार्बीन में प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? एकक कार्बीन में कार्बन sp2 संकरण अवस्था में, त्रिक कार्बीन में कार्बन sp संकरण अवस्था में. लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण एकक कार्बीन की ज्यामिति कोणीय बैंड शेप या वी शेप होती है, जबकि त्रिक कार्बीन की ज्यामिति रेखीय होती है. अब एकक कार्बीन में एच बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, जबकि त्रिक कार्बीन में HCH बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है. और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये डाईमैग्नेटिक होते हैं और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बीन पैरामैग्नेटिक होती है. डाईमैग्नेटिक पेयर्ड के कारण डाईमैग्नेटिक है और ये लेस स्टेबल है. लेस स्टेबल होती है एक सिंगलेट कार्बीन और लेस स्टेबल है इसलिए हाईली रिएक्टिव, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल than singlet carbene, it is less reactive than singlet carbene. Singlet carbene violates Hund's rule while triplet carbene obeys Hund's rule. Singlet carbene को hot methylene भी कहते हैं, जबकि triplet carbene को हम cold methylene भी कहते हैं. तो ये जो difference है वो methylene के संदर्भ में है, methylene carbene के संदर्भ में है. और सिंगलेट कार्बीन को हम सिंगलेट कार्बीन क्यों कहते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला
of spin multiplicity to summation s plus 1. To summation s plus 1 का मैं s बराबर क्या होता है, स्पिन होती है. तो जब हम देखेंगे 2 इंटू दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज 2 इंटू प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज 1. हैंस दिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, सो इट इज नोन एज सिंगलेट कार्बीन. जबकि त्रिक कार्बीन के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 2 समीशन एस प्लस 1. तो 2 समीशन एस स्पिन, यहाँ पर दोनों सेम स्पिन है, तो 2 प्लस हाफ और प्लस हाफ मिल करके 1 हो गया. तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आई, इसलिए इसे हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स. कार्बीन के निर्माण की दो विधियां होती है, डाइएजोमीथेन व कीटीन के तापीय या प्रकाशीय अपघटन से. दैट इज कार्बीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ डाइएजोमीथेन एंड कीटीन. दैट इज दिस, इन दिस रिएक्शन वी सी दैट डाइएजोमीथेन का अगर हम पायरोलिसिस कराएं तो मिथाइलिन कार्बन और N2 बनेगा, जबकि कीटीन का फोटोलिसिस कराते हैं तो हमें मिथाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. कार्बिनों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है डाइक्लोरोकार्बीन, जो क्लोरोफॉर्म पर क्षारक की क्रिया से बनता है. फेमस एग्जाम्पल ऑफ कार्बीन इज ऑल्सो डाइक्लोरोकार्बीन, विच इज फॉर्म्ड बाई द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑन बेस. दैट इज क्लोरोफॉर्म जब क्षारक के साथ क्रिया करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन क्लोराइड आयन और जल बनाएगा. इज इट क्लियर? रिएक्शंस ऑफ कार्बीन. कार्बीन्स की कई अभिक्रिया होती है. पहली अभिक्रिया है एल्कीन के साइक्लो एडिशन से, दैट इज फ्रॉम साइक्लो एडिशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन जब मिथाइलिन के साथ क्रिया करेगा तो साइक्लो एल्कीन देगा. इस प्रकार की अभिक्रिया को हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं. दैट इज पाई बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक रिंग बन गई. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग, साइक्लो एल्केन बन गया. तो इथीन जब मिथाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो साइक्लोप्रोपीन बनेगा. नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंद में समावेश. ये जैसे मान लीजिए एल्केन आर सी एच टू सी एच थ्री को एल्केन है, अगर मिथाइलिन के साथ में रिएक्ट कराएंगे ये मिथाइलिन या इंसर्ट हो गया and it lead to the formation of R CH2 CH2 CH3 or we can say R CH CH3 CH3 R CH2 CH2 CH3 or R CH CH3 CH3. Reimer Tiemann reaction, phenol को जब chloroform और KOH के साथ में react कराएंगे, it will lead to the formation of salicylidehyde, KCl and water. हम कह सकते हैं Reimer Tiemann reaction में भी क्लोरोफॉर्म जब क्षारक के साथ में क्रिया करेगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में हमें डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होती है. हॉफमैन कार्बेलामीन रिएक्शन में भी जब क्लोरोफॉर्म KOH के साथ क्रिया करेगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा. दैट इज व्हेन प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड KCl एंड वाटर. क्लियर? Now, what are arynes? Aromatic yogic, जिनमें त्रियाबंध होता है, arynes कहलाते हैं. इनका एक विख्यात उदाहरण है बेंजाइन. So you can say aromatic compounds having triple bond are known as arynes. The famous example of arynes is benzene. Benzene में एक बेंजीन में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. दैट इज बेंजीन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज बेंजाइन. देखिए यहाँ पे बेंजीन में एक डबल बॉन्ड और एक बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया. गणितीय रूप में
बेंजाइन बराबर बेंजीन माइनस टू एच, बेंजीन में से दो हाइड्रोजन निकल जाए, दैट इज रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन मॉलिक्यूल, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, हैंस बेंजाइन इज ऑल्सो नोन एज डी हाइड्रोबेंजीन, अतः इसे वी हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। अब बेंजाइन का त्रियाबंध बहुत ही तनाव युक्त होता है, बेंजाइन का त्रियाबंध बहुत ही तनाव युक्त होता है, हम कह सकते हैं द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन इज हाईली स्ट्रेन्ड, क्योंकि यह बेंजीन वलय की षटकोणीय ज्यामिति के कारण रेखीय रूप प्राप्त नहीं कर पाता, दैट इज इट डू नॉट अटेन्स लीनियर ज्योमेट्री ड्यू टू हेक्सागोनल ज्योमेट्री ऑफ बेंजीन रिंग, इसलिए इसकी संरचना को हम एक विकृत एसिटिलीन मान सकते हैं, दैट इज सो वी कैन कंसीडर इट्स स्ट्रक्चर एज डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन, जिसमें नया पाइबंद दो निकटवर्ती sp2 कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, इन विच अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू sp2 ऑर्बिटल्स। अब आप देखिए ये एसिटिलीन में साधारण त्रियाबंध है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये pp पाई बॉन्ड, एक pp पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार यहाँ बेंजीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है, इस कार्बन का sp2 संकृत कक्षक और इस कार्बन का sp2 संकृत कक्षक, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापित करके एक नया पाईबंद बनाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। नाउ बेंजाइन का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन बाय रिएक्शन ऑफ बेस ऑन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड पर क्षारकों की अभिक्रिया से बेंजाइन का निर्माण होता है। ये देखिए आप, एराइल हैलाइड है ब्रोमो बेंजीन, जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन अमोनिया एंड ब्रोमाइडाइन। दूसरा प्रोसेस बेंजाइन का निर्माण का एंथ्रानिलिक एसिड के तापीय अपघटन से, दैट इज बाय पायरोलिसिस ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड, दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड 2-अमीनोबेंजोइक एसिड। इस 2-अमीनोबेंजोइक एसिड का जब हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो बेंजाइन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की अभिक्रियाएं, द्विलकीकरण, बेंजाइन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक द्विलक बनाएंगे और इस डाइमर को हम डाइफेनिलीन कहते हैं, दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइन डाइमराइज टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल नोन एज डाइफेनिलीन, दिस इज नोन एज डाइमराइजेशन ऑफ बेंजाइन। नाउ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का योग, बेंजाइन में की जब जल से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल बन जाता है, यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो योग कर लेगा। इसी प्रकार बेंजाइन की जब NH2 माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ योग करके एनिलीन बनाएगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज नाइट्रीन? वह उदासीन स्पीसीज जिसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एक सिग्मा बंद तथा दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, नाइट्रीन कहलाती है, दैट इज द न्यूट्रल स्पीसीज इन विच सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैज वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नाइट्रीन। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बंद, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर एक सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो नाइट्रीन कहलाएगी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कुल 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अर्थात यह भी इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
एवं इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है. इट बिहेव्स जस्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन. नाइट्रीन का निर्माण, नाइट्रीन का निर्माण एल्काइल और एराइल एजाइड के पायरोलिसिस से होता है. दैट इज व्हेन एल्काइल एजाइड ऑन हीटिंग इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्रीन एंड नाइट्रोजन. दैट इज एराइल एजाइड ऑन हीटिंग इट फॉर्म एराइल नाइट्रीन एंड नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? नाउ रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन. द्वितीयकरण दैट इज डाइमराइजेशन. एरिल नाइट्रीन बहुत तेजी से डाइमराइज होकर के डाई एजो यौगिक बनाती है. दैट इज एरिल नाइट्रीन रैपिडली डाइमराइजेस एंड फॉर्म डाई एजो कंपाउंड्स. दिस इज एरिल नाइट्रीन विच डाइमराइज टू फॉर्म डाई एजो बेंजीन. नेक्स्ट इज हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन. इसमें अमाइड का एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन में परिवर्तन होता है. इन दिस अमाइड ऑन रिड्यूसेस वन कार्बन एटम एंड फॉर्म प्राइमरी अमीन. अतः इस अभिक्रिया द्वारा श्रृंखला का अवरोहण होता है. दैट इज डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम टेक्स प्लेस. यहाँ अमाइड देखिए दो कार्बन एटम का है, यह अमीन एक कार्बन की बनी है. तो अमाइड जब ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अमीन KBr, K2CO3 और वाटर बनेगा. इसकी क्रियाविधि देखिए, जब भी एसिटामाइड को ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो HBr निकल गया और यहाँ पर बना CH3CONHBr. इसको कहते हैं एन ब्रोमो एसिटामाइड. ये जो एन ब्रोमो एसिटामाइड है इसमें से HBr निकल गया तो एसाइल नाइट्रीन बनेगा CH3CON, एसाइल नाइट्रीन. अब ये एसाइल नाइट्रीन मैथिल समूह का अभिगमन हॉफमैन रीअरेंजमेंट करेगा. दैट इज इट विल रीअरेंजेस एसाइल नाइट्रीन विल रीअरेंज टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट. एंड दिस मिथाइल आइसोसाइनेट ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स. सो वी कैन से हियर द रिजल्टेंट कंपाउंड अमीन सो फॉर्म्ड इज वन कार्बन लेस देन द अमाइड. सो इट इज़ यूज फॉर डिसेंडिंग सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जब अमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमीन KBr, K2CO3 और वाटर बनेगा. जो ये अमीन बनी है इसके पेरेंट कंपाउंड से एक कार्बन कम की बनती है. तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर डिसेंडिंग द सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट कार्बीन्स, बेंजाइन एंड नाइट्रीन्स. थैंक यू.